That is true. Chapter 100 para meri jo saans sohbat wo ye veer ko maro mein 4 saal senior hai ye mein 40 saal ko parsi dosti mein 40 saal my turn. 1967 किया लेकिन डॉक्टर जगबीर सिंह और ज्यादा तो मेरे तो ज्यादा शक पेश थी कि ये दिल्ली बहुत साल रखे रहे और उन्होंने कंगन कोट और कंगन
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਸਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੂਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਾਸ ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਉਹ ਨੂਰ
साहब की शख्सियत का जो ये पहलू कि वो जिंदगी में एक लीला मांग लेंगे सी, एक खेल मांग लेंगे सी, और दूसरी ऐसी कि जो भी कभी दुनिया जहान से नहीं गल होती मैंने हमेशा नूर साहब को पता लगती जब बहुत सारे दोस्तों नूर साहब को ही पता था कि साढ़े की दुनिया से हम की हो रहा कि नवी किताब आ गई पैरिस से की हो रहा दिल्ली से की हो रहा तो नूर की इस तरह की जागरूक शख्सियत सी जिन्होंने जो भी दुनिया के हो रहा खास करके साहे की दुनिया हो रहा वो नूर साहब की हर पल खबर आ गई और दूजी गल ऐसी कि वो सिर्फ खबर रखते नहीं उन्होंने ये भी सी कि पंजाबी साहे से या भारतीय साहे से जो खबर हो गई वो खबर बना के साडा भी हिस्सा तो नूर साहब ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया पंजाबी साहे की पॉलिटिक्स में भी भारतीय साहे की पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कोठिया के सब कुछ सी के किड़ा शख्स की है कौन कवि किस तरह किड़ा कहानी किस तरह सो एक वो पूरी जो साहे की राजनीति सी भारत की और पंजाब की उस राजनीति ने भी पूरी तरह वो वापस सी और उन्होंने इच्छा सी कि असी इस इन किस दिशा में लैके जाना सो बहुत बारी नूर साहब की पहल नाल ही बहुत कुछ डिसाइड होया बहुत कुछ पंजाबी साहित्य की दिशा का या पंजाबी साहित्य की पॉलिटिक्स की दिशा का वो गुरु साहब के उद्यम या मतलब नाल बहुत कुछ होया और सारी अकैडमिया में सहयोग ले वो सारे एक प्रबंधक के तौर पर भी नूर साहब का एक बहुत बड़ा रोल सी और जब तो वो पाकिस्तान की अकेडमी के वाइस चेयरमैन बने उदों तो उन्होंने जाने संपर्क उन्होंने यात्रावान इन बढ़िया सी कि वो कहते कि मैं घर तक कई बार सिर्फ अपने बैग तो पुराने कपड़े करके तो नवे कुत्ते कपड़े पाने नहीं आना फिर अगले सफर से चल चल रहे लेकिन इस बार वो आखिरी बार जो बनारस तो आए तो इस तरह कपड़े बदल नहीं आए थे वो पजामा बदल आए थे और वो सब तो बाद वो अनंत दे रागी को के साढ़े तो जुदा हो गए और उन्होंने जुदा होना साढ़े दे नौ सी जिले में जाने किसे किसे मैपल करो उधर चंद्रमा अचानक जो हो गए क्योंकि नूर साहब बहुत सब गतिविधियां देख रहा इंडस्ट्री इन्हें साल दौरान सब घटनावान हादसे समागम उन्होंने शख्सियत देखने की घूमते होती होंगे तो मैं नूर साहब को हमेशा एक ऐसे दोस्त वांग ऐसे भाव वांग याद किया जिसने हमेशा मेरे लिए सोचा मेरे लिए लिखा मेरे लिए किया और मैं तक बखरेविया के बावजूद भी उन्होंने इस अपने लिए इस प्यार को कभी नहीं भुला सकता।